ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति रहस्तम तम मंगलम प्रणम महम्यम। नमस्कार, उदयन रेड्डी स्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। रामायण हम सब ने पढ़ी है और इसके हर एक पात्र से सभी परिचित है, लेकिन क्या आप जानते हैं जगत जननी भगवती सीता के भाई यानी भगवान राम के साले कौन थे? कंभ रामायण एवं रामचरितमानस में उनका जिक्र है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, इसीलिए किसी को देवी सीता के भाई का ध्यान नहीं आता है। किंतु रामायण में एक ऐसा भी प्रसंग है जहां मंगल देव ने कुछ समय के लिए माता सीता के भाई के भूमिका निभाई थी। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव एवं माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता ये थी कि इस विवाह में त्रिदेवों के सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी ना किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मुंह छोड़ना नहीं चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह के बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली विधि यानी इस विधि में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। उत्तर भारत विशेष तौर पर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में आज भी ये प्रथा देखने को मिलती है। विवाह पुरोहित ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई का आह्वान किया तो ये विचार किया जाने लगा कि इस प्रथा को कौन पूरा कर सकता है। समस्या ये थी कि उस समय वहाँ ऐसा कोई नहीं था जो माता सीता के भाई की भूमिका निभा सके। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होता देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी अचानक एक युवक उठा। उसका रंग रक्त की तरह लाल था। उसने सीता जी के भाई के रूप में लावा बिखरने के इस प्रथा को पूर्ण करने की अनुमति मांगी। वास्तव में वे स्वयं मंगलदेव थे जो वेश बदलकर नवग्रह सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां आए थे। दरअसल देवी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे। इस नाते वे देवी सीता के भाई भी लगते हैं। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वे इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए थे। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक द्विधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल गोत्र एवं परिवार का कुछ पता ना हो उसे वे कैसे अपने पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? उन्होंने मंगल से उनका परिचय कुल एवं गोत्र पूछा। इस पर मंगल देव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज जनक, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने को नहीं उठा हूँ। आपकी आशंका निराधार नहीं है, किंतु आप निश्चिंत रहे, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। उस रक्त बन्नी युवक की इसी तेज युक्त वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से इसके बारे में पूछा। वो दोनों तो सब जानते ही थे। उन्होंने सहर्ष इसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार गुरुजनों से आज्ञा पाने के बाद मंगल ने देवी सीता के भाई के रूप में सारे रस्में निभाई और अपने
बहनोई भगवान राम के चरण पखारे। रामायण के सारे संस्करणों में तो नहीं है, किंतु कंभ रामायण एवं रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। ये कथा अपनी बहन के प्रति एक भाई के उत्तरदायित्व के निर्वाह का एक मुख्य उदाहरण है। भारतीय शास्त्रों में उल्लेखित ऐसे ही दुर्लभ कहानियाँ हम आपके लिए लेते रहेंगे, जिन्हें जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।